दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन द चंद्रलीला होटल में आयोजित किया गया। कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए यह आयोजन ऑनलाइन वर्चुअल जूम मीटिंग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ पदाधिकारी मौजूद रहे व कुछ पदाधिकारी जो मीटिंग द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से हजारों की संख्या में दंपति पूरे देश में शामिल हुए। फेडरेशन के अध्यक्ष कमलेश कासलीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए सभी सोशल ग्रुप्स को समाज सेवा करने के लिए अपने दायित्व अधिकार को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिरोमणि संरक्षिका पुष्पा प्रदीप सिंह कासलीवाल द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः कमलेश कासलीवाल को बनाया गया। बहुप्रतीक्षित फेडरेशन की राष्ट्रीय निर्देशिका स्नेह सेतु, जो प्रमुख संपादक दिलीप मेहता द्वारा अथक प्रयासों से तैयार की गई है, उसका विमोचन भी किया गया। जैन क्रिकेट प्रीमियर लीग के लोगों का विमोचन देश के सभी सोशल ग्रुप के लिए लोकेंद्र गंगवाल द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली जैन क्रिकेट प्रीमियर लीग के लोगों एवं नियमों का विमोचन भी राष्ट्र। मैं कमलेश कासलीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पूरे देश भर में 350 ग्रुप हैं और इनको 14 रीजन के माध्यम से बांटा हुआ है। वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। ये 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। चूँकि कोविड महामारी पिछले 2 महीने में प्रकोप ये चल रहा था, नहीं तो ये बहुत वृहद स्तर पर होता है। लेकिन इस बार यहाँ पे सिर्फ 200 की संख्या में आपस पदाधिकारियों के एक अधिवेशन हुआ और बाकी को 1000 की लिंक जूम के माध्यम से पूरे देश भर के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हुए हैं। जो इसका उद्देश्य था मेजे हमें बदलने का और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने का और समाज के प्रति युवा पीढ़ी की और जैन समाज की क्या सदस्यों की क्या भूमिका रहती है, इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको सबको समझाने के लिए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की स्थापना हुई थी। और इसमें बहुत सारे कार्य गतिविधियां, राष्ट्रीय गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, सारे ग्रुप के ये जो युवा वर्ग है, दंपति सदस्य हैं, ये पूरा करते हैं। कोविड कार्यकाल के अंदर पिछले 2021 के जो कार्यकाल गुजरा उसके अंदर हमारे ग्रुप ने जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पे एम्बुलेंस की करवाई, मेडिकल इक्विपमेंट खोले गए का सेंटर खोला गया, कहाँ सब वाहिनी की ज़रूरत है वहाँ पे ग्रुपों द्वारा सब वाहिनी दी गई, और किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर सहायता की गई उनके पेशेंट के उसके लिए। तो ये जो ग्रुपों के माध्यम से जो सेवा गतिविधियाँ होती है इसको एक रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको सारे ग्रुपों के प्रतिनिधियों को एक पुरस्कार रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जाता है। रिकॉग्नाइज की भी आज घोषणा हो रही है और जब भी आगे कैबिनेट मीटिंग या रीजन का जो सम्मेलन होगा उसके अंदर वितरित करेंगे। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे अतुल जी बाकलीवाल। राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जो प्रतिवर्ष हर साल इंदौर इंडिया लेवल पे इसको किया जाता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण इसे इंडिया लेवल पर नहीं करके इस बार इंदौर में किया जा रहा है और वर्चुअल लोगों को इसमें ऑनलाइन जोड़ा गया है और फिजिकली 200 लोगों को इसमें जोड़ा गया है। इसके आयोजक दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ब्रिलियंट हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और संजय जी पापड़ीवाल सचिव हैं। पूरा आयोजन इस बार ब्रिलियंट ग्रुप ने लिया है और इसका पूरा जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो पूरा ब्रिलियंट ग्रुप के सौजन्य से हो रहा है। पुस्तिका का विमोचन हुआ था, जो पूरे पदाधिकारियों की एक जानकारी की पुस्तिका हर वर्ष एक फेडरेशन में बनाई जाती है, उसका विमोचन भी आज यहाँ पर किया गया। बैनर प्रेजेंटेशन होना रहता है और पूरे साल जो ग्रुप के सभी विस्तृत कार्यक्रम किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप के, उनके अवार्ड्स का डिक्लेरेशन भी आज यहाँ से होता है जो कि राष्ट्रीय लेवल पे किया जाता है। आज यहाँ कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया। बिल्कुल, सम्मान उन सभी का किया गया है जिन्हें अवार्ड मिल रहे हैं और जिन्होंने मानव सेवा में या राष्ट्रीय लेवल पे कोविड काल में सब चीज़ों को संभाला, देखा, भाला, उस हिसाब से उन सबका सम्मान भी यहाँ हो रहा है। जूम के माध्यम से भी हो रहा है और फिजिकल माध्यम से भी हो रहा है।